वुमेन खिलाड़ी का बोसा लेना हिस्पानी फुटबॉल फेडरेशन के सदर को महंगा पड़ गया। अब बड़ी सजा मिलने का इम्कान। दरअसल वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया। स्पेन ने इंग्लैंड को 0-1 गोल से शिकस्त दे दी थी। वर्ल्ड कप फाइनल की तकरीब में तकसीम इनाम बयान में कहा कि एक साख्ता बोसा था जो बहमी जोश इत्तेफाक में हो गया। ताम जैनी हरमोसो की जानिब से सदर की इस बयान की तरदीद की गई। खिलाड़ी ने कहा कि इन्होंने किसी किस्म की रजामंदगी जाहिर नहीं की थी। जैनी हरमोसो ने इसका जवाब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जैनी ने सदर को झूठा करार दे दिया और कहा कि ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है, जिसके बाद सदर ने मुआफी भी मांग ली। इस गलत हरकत पर सदर लोबियास बैलेस के खिलाफ स्पेन की मुतअद्दिद वुमेन खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फीफा ने एक्शन लिया और इस सदर को 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया और कहा कि किसी भी टीम के साथ इसका टच होना गैर जरूरी होगा। नाजरीन, सदर लोबियास ने किस किया लेकिन उसकी सजा इसको मिलने वाली है, क्योंकि फीफा ने इसे मुअत्तल किया और सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। अब क्या होता है ये तो फीफा ही फैसला करेगा। नाजरीन, क्या सदर को सजा मिलनी चाहिए?